टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस कंगना रनौत, जो कि हमेशा चर्चों में बनी रहती है, कभी अपनी कैटवॉक के जरिए, कभी अपनी मूवी के जरिए, पर अभी कुछ समय से कंगना विवादों के चर्चे में रहती है। उन्होंने कई फिल्म सितारों से पंगा लिया हुआ है, जैसे कि सलमान खान, ऋतिक रोशन, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, करण जौहर, सोनू सूद और भी सितारे शामिल हैं। अभी फिलहाल में कंगना के ऊपर संकट आ पड़ा है। इंडस्ट्री से एक और शख्स है जिससे कंगना का कानूनी विवाद चल रहा है। जावेद अख्तर, जो कि जाने माने सॉन्ग राइटर और सिंगर है, उन्होंने कंगना पर मानहानि का केस दर्ज किया था। आपको बता दें, इन दोनों का ये विवाद अभी से नहीं, 2016 से चल रहा है, जब एक्ट्रेस ने एक्टर ऋतिक रोशन के अफेयर के बाद कुछ गंभीर आरोप लगाए थे। एक इंटरव्यू में कंगना ने जावेद अख्तर का भी नाम लिया और कहा कि जावेद अख्तर ने उनके साथ ऋतिक रोशन के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए बदसलूकी की थी। साथ ही कंगना को अपने घर बुलाकर एक्टर ऋतिक रोशन से माफ़ी मांगने के लिए भी कहा था। इसी बात को खारिज करते हुए जावेद अख्तर ने कंगना के खिलाफ मानहानि का केस दायर कर दिया था। इस बार कंगना आरोपी है, जावेद अख्तर उन्हें जेल भेजना चाहते हैं। हालांकि आपको बता दें, इस मामले में कंगना एक बार भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुई है। जावेद अख्तर ने अब इस मामले में मंडी लोकसभा सीट से सांसद कंगना के खिलाफ गैर जमानत वारंट की मांग की है। इस केस की सुनवाई की कई बार तारीख दी गई और कोर्ट ने एक्ट्रेस को बार बार पेश होने के आदेश भी दिए थे, फिर भी कंगना कोर्ट में हाजिर नहीं हुई। ऐसे में बौखलाए जावेद अख्तर ने कोर्ट से उनको जेल भेजने की मांग कर डाली है। जावेद अख्तर के वकील जय भारद्वाज इस केस को लड़ रहे हैं। उन्होंने याचिका में लिखा, कंगना का आवेदन खारिज होने के बावजूद भी विभिन्न तारीखों पर अदालत में वह पेश नहीं हुई है। 1 मार्च 2021 को उसके खिलाफ जमानती वारंट भी जारी किया गया था। कंगना रनौत ने कोर्ट से अपना वारंट कैंसिल करा लिया था, जब अदालत ने उनके आवेदन को स्थगित रखते हुए एक्ट्रेस कंगना रनौत को पेश होने का निर्देश दिया है। अब आपको बता दें कि कंगना के वकील ने हलफनामा दिया है, जो अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी और इस बार कंगना कोर्ट में जरूर होंगी। अब आखिर 9 सितंबर को पता चलेगा कि कंगना को जेल होगी या नहीं।